आज के वीडियो में हम Google Chrome की दो ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो kindly सब्सक्राइब एंड हिट द बेल। यदि आपने Google Chrome में कोई इमेज सर्च की है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आपको उस इमेज को डाउनलोड करने की कतई जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। Google Chrome में है हम, यहां पर हम इमेज सर्च करते हैं ताजमहल। मैंने पहले सर्च किया हुआ था। हम जाते हैं यहां इमेजेस पर। देखिए यहां पर ताजमहल की बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। देखिए इमेज को शेयर करने के लिए इमेज पर आप अपनी उंगली को होल्ड करके रखिएगा। इसके बाद एक मेन्यू ओपन होगा, इसके बाद आपको दबाना है यहां शेयर इमेज पर। देखिए फिर ये मेन्यू खुलेगा, यहां से आप जीमेल पर, इंस्टाग्राम फीड पर, व्हाट्सएप पर, जहां भी आप करना चाहें यहां से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये व्हाट्सएप ओपन हो गया, यहां से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक, यदि आपने गूगल क्रोम में बहुत सारे टैब्स ओपन करके रखे हैं तो आप उन्हें एक ही बार में बंद कर सकते हैं, आपको उन्हें अलग अलग बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके टाइम की बचत होगी। बहुत सारे टैब्स को एक साथ बंद करने के लिए देखिए यहां फोर लिखा है, यहां पर टच करिएगा ऐसे। देखिए ये चार टैब दिखा रहा है, यदि आप इन्हें एक साथ बंद करना चाहते हैं तो इसके बाद थ्री डॉट पे टच करिएगा और इसके बाद क्लोज ऑल टैब्स कर दीजिएगा। इसके बाद ये पूछेगा क्लोज ऑल टैब्स, तो इसे हम ओके कर देंगे। देखिए क्लोज ऑल टैब्स को दबाया तो सारे टैब्स एक साथ बंद हो गए, आपको हर एक को एक एक करके बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम की बचत होती है। किसी का एक्सीडेंट होने पर उसके रिलेटिव से कैसे संपर्क किया जाए उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि मोबाइल तो लॉक रहता है और उसका पासवर्ड किसी को मालूम नहीं रहता, ठीक है, तो इमरजेंसी नंबर मोबाइल में कैसे सेव करते हैं उसके लिए ये वीडियो देखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।